उदाहरण 6। कविता ने एक पेंसिल और दो रबर 4 रुपए में खरीदी तथा सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर 16 रुपए में खरीदी। तब क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि एक पेंसिल व एक रबर की कीमत कविता और सविता के लिए कितनी रही होंगी? हल। माना कि एक पेंसिल की कीमत ₹1 व एक रबर की कीमत ₹y है। चूँकि कविता ने एक पेंसिल व दो रबर की कुल कीमत ₹4 चुकाई, तब इसे इस प्रकार इस समीकरण के रूप में लिख सकेंगे। 1 × x + 2 × y = 4। यहाँ पे पेंसिल की कीमत x है और रबर की कीमत y। इस तरह से हमें x + 2y = 4 प्राप्त हुआ। ये हमारा पहला समीकरण है। इसी प्रकार सविता ने 2 पेंसिल व 1 रबर खरीदने के लिए कुल कीमत ₹16 चुकाई, तब इसे भी इस प्रकार समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। 2 पेंसिल की कीमत 2 × x + 4 रबर की कीमत 4 × y = 16, या इसे हम 2x + 4y = 16 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 से x = 2y = 4 है, या 2y = 4 − x, या y = 4 − x/2। ये हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 में x = 0 रखने पर y का मान 2, समीकरण 3 में x का मान 1 रखने पर 1.5, x का मान 2 रखने पर 1, x का मान 3 रखने पर समीकरण में y का मान 0.5, x का मान 4 रखने पर y का मान 0, x का मान 5 रखने पर y का मान −0.5, x का मान 6 रखने पर y का मान −1 प्राप्त होगा। अब समीकरण 2 से (2x + 4y = 16) समीकरण 2 है। इसमें हम उभयनिष्ठ 2 को निकालते हैं दोनों पदों से, तो x + 2y = 16 प्राप्त होगा। 2 का पक्षांतर करने पर x + 2y = 16/2, या x + 2y = 8, या y = 8 − x/2। समीकरण, ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 4 पर x का मान 0 रखने पर सारणी 2 में y का मान 4, x का मान 1 रखने पर y का मान 3.5, x का मान 2 रखने पर 3, x का मान 4 रखने पर y का मान 2.5, x का मान 4 रखने पर y का मान 2, x का मान 5 रखने पर y का मान 1.5, एवं x का मान समीकरण में 6 रखने पर y का मान 1 प्राप्त होता है। समीकरण 1 व 2 के लिए प्राप्त सारणी से हम यह आलेख प्राप्त करेंगे। समीकरण से 2 समांतर रेखाएं मिल रही है, तब 1 पेंसिल व 1 रबर की कीमत क्या होंगी? यहाँ दोनों रेखाओं में कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, अतः समीकरण का अद्वितीय हल
नहीं होगा। कविता व सविता द्वारा खरीदे गए पेंसिल व रबर की कीमत अलग अलग होगी। यह इस समीकरण का हल है।